तो कोड कंसेप्ट में सबसे पहले जानिए कि मेनली हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी हो, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग का पहला वर्ड स्टार्ट करना हो, तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं पहला एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक था, एप्लीकेशन शीट्स रेंज वर्क, अरे रेंज से पहले वर्क टूटता है, सीखी हो गई वर्क। तो बेसिकली हम चार से स्टार्ट करते हैं। खैर तुम्हें अपनी कोड स्टार्ट, जैसे मान लीजिए कि हम ओपन द न्यू वर्क बुक, तो हम यहां पे लिखेंगे वर्क बुक्स, बुक्स क्या हो रहा है, ई बुक डॉट एड, या रिनेम द शीट तो लिखेंगे शीट्स शीट में यहां पे डॉट नेम नेम इक्वल टू डेटा। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कोड क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो किसको इफेक्ट कर रही है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे हम इसको देखते हैं। मतलब कि हम जैसे कि शुरुआती दौर में आपने एक्सेल को बेसिकली सीखा था, उसी बेसिक प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे वीबीए की। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क में, देखिए आप बोलेंगे सर एप्लीकेशन की क्यों नहीं, एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे या बीच बीच में करते रहेंगे। तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे वर्कबुक। तो वर्कबुक के साथ हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया वर्कबुक ओपन करना होता है तो क्या कोड लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, एक नई वर्कबुक हमारा एड हो जाएगा। अब जो वर्कबुक एड हुई है उसको हमें एक पर्टिकुलर नाम से पर्टिकुलर लोकेशन में सेव भी करना है। तो ऐसे वर्कबुक को सेव करने का तरीका होता है कि सी यहां पे वर्क बुक्स, इसमें कौन सी वर्कबुक है, जैसे बुक वन एक्सटेंशन क्या है, तो XLSM, और किसमें स्टोर करनी है तो उसमें हम लिखेंगे सेव एज, क्योंकि आप पता ही आपको सेव एज ही होता, तो सेव एज, और कहां है तो डी ड्राइव में 2019 के अंदर में 123.xls। इस फॉर्म तो यहां पे हम जो वर्कबुक अभी देखिए इसमें सिचुएशन में देखना चाहिए। अभी देखिए कोड को देखिए क्या है कोड, तो जब भी आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, ऑब्जेक्ट सर बोलिए सर परमिशन दीजिए ना रिकॉर्डिंग, तो इसमें जो है हमारा वर्कबुक हो गया और ये हमारा सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिटेल हो गया, ये हमारा एक्शन हो गया, ये हमारा एक्शन डिटेल। मतलब कि जैसे मैं बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट एंड एक्शन होता है, मतलब कि लोकेशंस और क्या करना है। तो लोकेशन में आपको ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर एक घर का एड्रेस दिया तो मैं रूम का भी एड्रेस देना होगा ना। उसी तरीके से वर्कबुक किया तो हमें किसी पर्टिकुलर वर्कबुक की बात हो रही है तो हमें ब्रैकेट में उसका डिटेल डालना है। सेव एज, तो सेव एज करते समय क्वेश्चन है कि कहाँ करना है, किस नाम से करना है, किस एक्सटेंशन से करना है, वो हम यहाँ पे देना है स्पेस देके, किस तरह से देते हैं। लेकिन इसमें आपको सिचुएशन को भी समझना होगा, क्योंकि हम जो वर्कबुक ऐड करते हैं, मतलब जो हम यहाँ पे आते हैं एक्सेल शीट में, हम यहाँ फाइल से न्यू पे जाके लेते हैं या फिर कंट्रोल एन कर देते हैं, कंट्रोल एन कर दिया तो हमारे पास न्यू वर्कशीट बन गया, राइट। तो न्यू वर्कशीट आपको यहां बन गया, न्यू वर्कबुक बन गया। तो अब प्रॉब्लम है कि इस वर्कबुक का नाम बुक टू, दूसरा बार बुक थ्री, हर बार नाम चेंज होगा। क्या बुक वन फिक्स नहीं है कि जब भी मैं मैक को रन करूंगा नई फाइल खुलेगी और वो बुक वन ही रहेगी,
हर बार चेंज होता रहे। तो यहां पे हमें एक प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं, यहां से न्यू पे जाते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, मैंने क्लिक करके लिया न्यू ब्लैंक वर्कबुक, तो जो वर्कबुक ऐड होती है वही हमारी एक्टिवेट होती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो यहां पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि एक्टिव वर्कबुक डॉट बुक्स नहीं होगा, बुक होगा डॉट सेव एज, बाकी बल्कि सब कुछ सेम होगा कि जो देना चाहते हैं। तो नई फाइल क्रिएट होगी और हम जानते हैं कि जो फाइल क्रिएट होती है वही एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे हमें फाइल का नाम नहीं पता है कि भाई फाइल का नाम क्या होगा, बट हमें इतना पता है कि जो फाइल है वही फाइल एक्टिवेट है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्टिव वर्कबुक का जिक्र किया। देखिए ये यूज कब करेंगे, जब आपको पता है कि मुझे फाइल क्रिएट करनी है उसके बाद कभी सेव करना है। लेकिन अगर आपको ये आंसर हो कि नहीं मुझे क्रिएट की गई फाइल 1, 2, 3 के नाम से ही फाइल क्रिएट करना है, तो उस केस में हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज और पास कर देंगे। तो क्या करेगा, कि आपको जो वर्कबुक को ऐड करके सेव करके डायरेक्ट देगा, तो एक्टिव सेव लगाने का फंडा नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप नई वर्कबुक ऐड करते हैं उसको आपको सेव करना है तो एक्टिव वर्कबुक के साथ सेव करें या आपको सेव की वर्कबुक दे। अगर किसी पर्टिकुलर नाम, जैसे कि कोई एक डेटा है जिसको आपको पता है कि हाँ फाइल का नाम फलाना है, कुछ कंफर्म है, फिक्स है, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपको डाउट है कोई कि किस तरह से हम फाइल को ये करेंगे, क्रिएट करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे? वर्कबुक और सिंपल वर्कबुक का डिफरेंस नहीं समझ में आया मुझे, एक्टिव वर्कबुक और सिंपल वर्कबुक जो आपने डाला। देखिए हमने वर्कबुक ऐड किया मतलब कि एक फाइल को ऐड किया, यहाँ पे देखिए हमने एक नई फाइल क्रिएट की, जैसे कि नई कंट्रोल एन करते हैं, अब मैं उसी फाइल को सेव करना है, तो एक मेथड ये है कि हमें पता है कि जो फाइल एक्टिवेट क्रिएट होती है वही एक्टिवेट होती है, तो हमने सिंपल लिख दिया कि एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और कहां सेव करनी है तो इस लोकेशन में, इस नाम से, इस एक्सटेंशन से। क्लियर है ईशा जी, ये दो लाइन क्लियर हो गया सबको? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फिक्स पता है कि भाई हमें सेव की गई फाइल, ये फाइल ओपन करके सेव करनी है, इट्स कंफर्म, तो फिर हम डायरेक्ट कोड लिख देंगे कि वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज और डाल देंगे, तो फाइल को सेव करके देगा। तो यार सॉरी सर, मैं मॉडेम ये स्टार्ट हो गया था, मिल गई थी इसकी पावर प्लग, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था ईशा जी एंड बाकी और, यहाँ पे हमारे पास हमने बोला वर्कबुक डॉट एड, एक हमने नए वर्कबुक को हमने क्रिएट किया, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक लगाने का पंडा ये था कि जो वर्कबुक एड होती है वो अपना नाम चेंज करती रहती है, ए बुक वन बुक टू। जो फाइल ओपन होती है वही फाइल एक्टिवेट होती है, मतलब जो फाइल आप क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, वो एक्टिव होती है, सामने होती है फ्रंट में, तो हमने यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज कर दिया। दूसरा, अगर फाइल आपके पास ऑलरेडी ये पता है आपको कि हाँ मैं मुझे फाइल क्रिएट करके सेव करना ही है, कन्फर्म, तो आप दो लाइन की कोड ना लिख के आप सिंगल एक लाइन की कोड लिख सकते हैं कि वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज, उसको आपने सेव कर दिया। और दूसरा कि मुझे कोई ऐसी फाइल जो कि ओपन जस्ट की है उसको सेव एज करना है, उसका नाम मुझे पता है कि उसका नाम डेटा है, उसका नाम समरी है, उसका नाम रिपोर्ट है, उसका नाम डैशबोर्ड है, मुझे कंफर्म है और नाम फिक्स है,
तो उसको किसी और लोकेशन और किसी और नाम से सेव एज करने के लिए हम इस कोड को लिखते हैं। हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेव एज हमारा वर्कबुक का पार्ट है, इसलिए हमने वर्कबुक दिया। कौन सा वर्कबुक? हमने ब्रैकेट में डिफाइन किया और हमने बोला सेव एज, और कहां सेव करना है उसकी लोकेशन मैंने दी। ओके, आगे बढ़े इसमें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने फाइल को क्रिएट करना सीखा, हमने फाइल को सेव करना सीखा और सेव एज करना सीखा। अब सेव एज करना सीखा, सेव नहीं, सेव तो बताया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं कोई पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना। मेरी एक फाइल जो कि पड़ी हुई है किसी एक ड्राइव में, उसको मुझे ओपन करवा के अपडेट करना है, मुझे कोई अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए मुझे उसको ओपन करना है। ठीक है, तो बराबर मान लीजिए कि एक फाइल में से डेटा निकालना है, उसको कहीं और कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको उस फाइल को पहले ओपन तो करना पड़ेगा। तो हम चलिए हम सीखते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग फाइल को, जो हमारा फाइल एग्जिस्ट करता है, उसको ओपन कैसे करें। तो उसके लिए कोड हम लिखेंगे। ओपन करना भी हमारा वर्कबुक का पार्ट है, तो हम यहाँ पे वर्क books.open और यहां पे आपको कहां से ओपन करना है उसका पाथ दे दीजिए। फाइल नेम विद एक्सटेंशन, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। लेकिन सम टाइम जब हम ओपन करते हैं तो फाइल के अंदर में पासवर्ड वगैरह लगा होता, तो जैसे ही आप स्पेस मारते हैं, आप येलो कलर में देखते हैं साइन टेक्स्ट, मतलब कि ओपन के इतने सारे डिटेल्स हैं, जिसमें हमने पहला दिया है फाइल एज ए स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर है। देखिए यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो इसमें क्या होगा कि जो भी एक्शंस है वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि वो ऑप्शनल है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपकी एक्शन फॉर्मूले में भी होती है। अगर आप कोई एक्सेल का फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप लगाया, तो वी लुकअप में देखिए लुकअप रेंज स्क्वायर ब्रैकेट में है, मतलब कि ये रिक्वायर नहीं, ऑप्शनल है। ये अपने हिसाब, अगर डालोगे तो उसके हिसाब से वर्क करेगा, नहीं डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो सेम चीज यहां पर है। तो इसमें आगे क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, सेम चीज इसमें है आपके एक्सेल में, कि जब कोई फाइल को ओपन सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग दिया हुआ है और विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, या हम लोग अपनी बोलचाल में बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड है, और जो है वो रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है। तो मुझे अब इसके बारे में हम बाकी आगे समझेंगे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड देना है। तो अभी जैसे बोल्ड कौन सा आपका फाइल एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें डाला हुआ। जैसे मैं कॉमा डालूंगा, वैसे देखिए हमारा अपडेट लिंक जो है वो अपडेट लिंक हाईलाइटेड है, लेकिन मुझे अपडेट लिंक में कुछ डालना नहीं है। तो फिर मैं एक और ब्रैकेट करूंगा तो हमारा रीड ओनली ओपन होगा। ठीक है, लेकिन मुझे रीड ओनली भी नहीं चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो जब तक पासवर्ड में चला ना जाऊं तब तक मैं कॉमा कॉमा डालता रहा। अब यहाँ पासवर्ड हो गया तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया। अगर रीड राइट पासवर्ड लगा हुआ है तो कॉमा करके आप अपना रीड राइट पासवर्ड डाल दें। नंबर है तो डायरेक्ट डाल दे, अगर टेक्स्ट है तो उसको डबल कोटेशन मार्क, जैसे कि मैंने यहाँ भी ऊपर डाल रखा है ना इसको पाथ को, ऐसे कोटेशन मार्क्स में आप डालेंगे तो ये आपका फाइल ओपन हो गया। तो हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, हमने फाइल को सेव करना, सेव एज करना सीखा। सेव नहीं होगा, माफ कीजिए, सेव एज होगा। हेलो, हेलो
सर अगर पासवर्ड अल्फा न्यूमरिक होगा तो इनवर्टेड कॉमा में डालिएगा। ओके देखिए एक सिंपल से मेथड समझिए, एक्सेल में क्या होता है कि एक सेल पे अगर आपने नंबर लिखा इट्स नंबर और इसमें कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें कैलकुलेशन हो सकता है राइट। हेलो अल्पेश जी मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो अल्पेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? बस अभी आ रही है, अभी आपका नहीं आ रहा कुछ भी वॉइस आ रहा है। अच्छा मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्योंकि आपके बैकग्राउंड से कुछ अजीब अजीब समस्या ज्यादा हो रही थी। और सर इस इंटरनेट से चलने वाले एप्लीकेशन को बंद कर दीजिएगा क्योंकि इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक चाहिए होती है इसमें। चलिए तो जो चीजें छूट गई है मैं उसकी रिकॉर्डिंग क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, जो डाउट होगा उसके लिए हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके। तो हमने क्लासेस में सीखा अभी अभी जो सीखा फाइल को ओपन करना, तो फाइल को ओपन करने के बाद हम उस पर कुछ काम करेंगे तो सेव करेंगे। ऊपर जो मैंने बताया आपको बताया सेव एज, मतलब कि किसी फाइल को डिफरेंट नाम और डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट एक्सटेंशन में सेव करना। लेकिन क्या होता है ओपन करने के बाद हमने कुछ एडिट किया 10 लाइन 20 लाइन डेटा ऐड किया उसको सेव करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है जिसके बारे में पता है आपको कि हाँ ये फाइल एक पर्टिकुलर फाइल है उसका नाम फिक्स है तो सेव है सेव कर दीजिए। लेकिन जो फाइल ओपन हुई है उस पर आपने चेंजिंग किया और उस फाइल को आपने डीएक्टिवेट नहीं किया, मतलब कि आप दूसरे फाइल पे नहीं गए, तो जो फाइल एक्टिव है वहां पे आप यहां पर रखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फाइल एक्टिव है तो एक्टिव वर्कबुक यूज कर सकते हैं, या कोई फाइल फिक्स है कि भाई डेटा है डेटा वन हमें पता है कि डेटा वन फाइल है तो आप डेटा वन फाइल है तो तब आप जो है इस वाले मेथड जो है ले सकते हैं। सेव एज की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कॉपी पेस्ट बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इससे पहले का मेथड सेम है कि एक्टिव वर्कबुक कब यूज करना है जब हमें फाइल का नाम नहीं पता है बट हमें इतना पता है कि वो फाइल एक्टिवेट है क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया है हमने अभी ओपन किया है वगैरह वगैरह तो ये करेंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका फाइल क्या है क्या है, लेकिन इतना पता है कि वो एक्टिवेट है तो हम एक्टिव वर्क यूज करेंगे और कुछ पर्टिकुलर फॉर नाइन है तो ये यूज करेंगे। सिंपल सा मेथड है इसको समझिएगा। तो फाइल को हमने ओपन करना सीख लिया तो ओपन करने के बाद फाइल को क्लोज भी करना होगा। मान लीजिए कि आपको 100 फाइलों में से वन बाय वन डेटा कॉपी करना है तो उस केस में आपको पता होना चाहिए ना कि 100 फाइल को ओपन करते चले जाएंगे क्लोज नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो आपने फाइल को ओपन किया आपने अपना जो भी काम करना है करने के बाद सेव करके उसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे वर्क बुक। अब किस फाइल को क्लोज करना है वो यहां पे आप लिखे कि बुक वन डॉट xlsx डॉट क्लोज। अब जब भी आप फाइल क्लोज करते हैं तो आपसे कंफर्मेशन मांगता है, सर आपने ध्यान दिया होगा कि आपसे पूछता है डिवान टू सेव। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो सेव होगा तो प्रॉब्लम आ गई कि आपने कोड में जस्ट लिख दिया एक्सेल वर्कबुक डॉट क्लोज तो क्या होगा कि वो कंफर्मेशन मांगने लगा इसको सेव करूं या ना करूं। अगर सेव आपने नहीं किया है तो उस केस में मैं यहां पे लिखूंगा अगर सेव करना है तो इसी में स्पेस देके लिखूंगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो क्या होगा कि जब हम क्लोज करेंगे तो जो पॉपअप आता है ये पॉपअप नहीं आएगा, ये पॉपअप माइक्रो ब्रेकर कराता है कि अगर मान लीजिए आपने 100 लाइन की कोड लिख रखी है आपने दूसरे लाइन में कोड डाल रखी है
तो बाकी के 98 लाइन का कोड आपका वर्क नहीं करेगा जब तक कि आपने सेव पे क्लिक नहीं किया। तो एक पॉपअप आएगा ही नहीं जब मैं वर्कबुक डॉट क्लोज में ट्रू डाल दूंगा। राइट सर, तो फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना और फाइल को क्लोज करना है, ये समझ गया आप लोग? सर आप पूछिए। हमने वर्कबुक डॉट ओपन लिखा है, उसके बाद में एक्टिव वर्कबुक सेव किया। एक्टिव वर्कबुक मेरे पास अगर मल्टीपल्स होंगे तो उसमें से वो सभी सेव करेगा या फिर जो ओपन हुआ है माइक्रो थ्रू? एक्टिव वर्कबुक कोई एक ही होता है, मल्टीपल नहीं होता है सर। जैसे कि ये फाइल हमने ओपन कर रखी है, कितना है बुक? 3 बुक है ना, तो एक्टिव कौन है? एक्टिव आपका बुक 1 है। क्यों? क्योंकि इसके सामने है। जब मैं बुक 1 को मिनिमाइज करूंगा तब बुक 2 एक मैक्सिमाइज होगा, होगा ना सर? ओके ठीक है, तो एक्टिवेट हमेशा 1 टाइम में एक ही फाइल होता है। तो अगर आपको कोई फाइल आपको पता है कि भाई हमारा पर्टिकुलर फाइल हमारा है, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहाँ टू कर सकते हैं। तो एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक का नाम कब लेंगे ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, सिचुएशन के हिसाब से आप इस चीज को ले सकते हैं। अब हमने फाइल को क्लोज करना भी सीख लिया, तो हमने फाइल को ऐड किया, फाइल को सेव किया, सेव एज किया और फाइल को हमने क्लोज किया, फाइल ओपन किया। तो फाइल को क्लोज किया, अब बात आती है, अब फाइल में और क्या करते हैं? फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं ना, पासवर्ड डालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे वर्क बुक्स या एक्टिव वर्कबुक, आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा, एक्टिव वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट और इसमें पासवर्ड डाल दीजिए। अभी ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोटेक्ट कर रहा है? ये आपके ये जो रिव्यू के अंदर में प्रोटेक्ट होता है, आपके फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड डालें, तो उसके लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा वर्कबुक या एक्टिव वर्कबुक डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बुक डॉट डॉट पासवर्ड और यहां पे इक्वल पासवर्ड। ये क्या करेगा, आपकी फाइल की जो ओपनिंग पासवर्ड है जो कि फाइल मेनू बार के अंदर इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्क के अंदर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड होता है, ये डाल दें। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि मैंने यहां पे इक्वल क्यों लगाया, इससे पहले तो किसी कोड ऑफ लाइन में हमने इक्वल का यूज नहीं किया होगा, सो हमने यहां इक्वल भी यूज किया। तो क्या होता है कि जब भी हम यूज करते हैं दो मेथड, देखिए जो मेंबर है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो जो मेथड है जैसे कि प्रोटेक्ट हो गया, क्लोज हो गया, सेव हो गया, सेवेज हो गया, ये मेथड कहलाता है। इसमें हम स्पेस डाल के हम एक्शन की नंबर को लिखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होते हैं उस पर हमें इक्वल देना पड़ता है। तो एक कैसे आइडेंटिफाई होगा, दो है, एक दो चीज है। पहली चीज कि अगर आप स्पेस मारेंगे तो एक स्पेस आ जाएगा, इट मीन्स ए मेथड। लेकिन पासवर्ड में इसमें प्रॉपर्टीज में स्पेस मारने पे नहीं घुसाएगा, मतलब प्रॉपर्टीज। दूसरा कि जब आप इसको डॉट करेंगे, इसमें डॉट करके प्रोटेक्ट किया, तो आप देख रहे होंगे कि प्रोटेक्ट के आगे ग्रीन कलर का सिंबल लगा हुआ है। तो जो ग्रीन कलर का सिंबल लगा हुआ है, इट मींस ए मेथड है, यही पे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा जब आप ये करेंगे तो आपको हैंड का निशान बन के आएगा, जैसे मैंने पासवर्ड दिया
यहाँ पे हैंड का निशान बना है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, इसकी जो डिटेल्स देने के लिए हमें इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये फाइल को पास कर देगा। अब यहाँ मेंबर की बात हो रही है, तो मेंबर में बात हो रही है मेथड, इसकी मेथड तो सिंपल है जो हम यूज करते हैं, हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, पहला जो इंफॉर्मेशन देते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड, इसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का है, देने का नहीं है। किसको देना है इंफॉर्मेशन, देता कौन है, जैसे कि एक्टिव वर्क बुक डॉट, हमने बोल दिया फाइल फॉर्मेट या फाइल नेम, फाइल नेम होता है नेम। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेगा, जब भी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करते हैं, गिव करते हैं, तो उनके लिए आपको एक लोकेशन देना होगा जहां पे उस प्रॉपर्टीज के डिटेल को वो पेश करेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो यहाँ पे हम खैर तो दे सकते हैं किसी रेंज का, कॉलम रेंज A1 डॉट वैल्यू, लेकिन इसके लिए आपको एक रेंज को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर हम लोग XYZ या ABCD कुछ ऐसा ले लेते हैं। ये क्या है, इसके बारे में हम आपको कल जिक्र करेंगे। इतना समझ लीजिए कि ये टेम्पररी सेविंग लोकेशन है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन है। क्लियर है, कोई डाउट आप लोग को? ऐसे मान लीजिए कि हमने यहां पे पी किया, तो एक्टिव वर्क बुक डॉट हमने पास कर दिया, तो पास दे दिया, राइट। तो इसकी इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, अभी हमने इस माइक्रो कोड को रन नहीं किया है, बट आप इस कोड को इस्तेमाल करें और उसको रन करने की कोशिश करें, एक एक करके, वन बाय एक साथ मत कीजिएगा, वन बाय वन इसको रन कीजिएगा। फिर हम कल आपको इस पे एक प्रोजेक्ट करेंगे और हम आपको इसके बारे में प्रोजेक्ट के साथ बताएंगे कि आखिर इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम यूज करेंगे अपना क्या बोलते हैं, सीट यूज करेंगे। ऐसे आपको हर दिन जो है एक मेंबर को पढ़ाया जाएगा और फिर उसके अगले दिन हम उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो कल हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो कि फाइल से रिलेटेड होगा, ठीक है सर, क्लियर है? हेलो, हाँ जी।